गाइस वेलकम टू द मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। ये हमारे तीन चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एडू ला मित्रा और एमजे मित्रा। आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये यूपीएससी 2021 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर है, जनरल साइंस से पेपर 1। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, आज हम इन सबको हल करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालते हैं। आइए हम शुरू करते हैं सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2021 का जनरल साइंस का प्रश्न पत्र नंबर 1। यूपीएससी के जो टेस्ट होता है ये इसके लिए, उसमें दो पेपर होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। पेपर 1 होता है जनरल साइंस 1 और पेपर दूसरा होता है जनरल साइंस 2 और वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें मैथमेटिक्स होता है 60 नंबर का और 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो ये हम जनरल साइंस का प्रश्न पत्र नंबर 1 कर रहे हैं आज। ये एक सैंपल है जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसका। तो ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है शुरू में, तो ये तो आप लोगों ने वहां पढ़ लेनी है, देख लेनी है क्या क्या इंस्ट्रक्शन होती है। ये पेपर जो आपको मिलेगा सबसे पहले पढ़ लेनी। और आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोटेशन है। दूसरा, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये दूसरी कोटेशन है। नंबर 3, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्राज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, जो आरबीआई का गवर्नर है वो आरबीआई एक्ट से उसको पावर्स मिलती है। अब आगे पूछ रहा है, विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जो तीन स्टेटमेंट दी हुई थी, तीन कोटेशन दी हुई थी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है हमें। इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, साइड में दिया हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन, जब वो आर्थिक रिसेशन आता है तो इनमें से कौन कौन से मेजर स्टेप्स जो है लेने पड़ते हैं। कट इन टैक्स रेट्स अकंपनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकंपनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और चौथा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, जो इसकी राइट ऑप्शन है बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। इस पर कटौती होती है, आर्थिक मंदी आती है तो। अब अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भारत में कैजुअल वर्कर लगाए जाते हैं उनसे संबंधित स्टेटमेंट इनमें से कौन सी सही है। नंबर 1, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटेड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। और तीसरी, यदि गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेज ओनली थ्रू इट्स ए बैंक अकाउंट, तो ये जो है ना, इस पे तीनों एप्लीकेबल है, डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, जो दूसरी चीजें हैं उनको हम ये मान लें अनचेंज है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। नंबर 1, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। नंबर 2, प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट इंक्रीजेस, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। नंबर 4, इट्स प्राइस फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर करेक्ट, इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज करेक्ट है, इसकी राइट ऑप्शन है ए। ये पांच नंबर क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में, उनके ऊपर ये जो है ना तीन स्टेटमेंट दी हुई। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाई लोकल बोर्ड सेट अप बाई द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर थ्री, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ये चार ऑप्शन दी हुई है और इसमें जो है ना ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, क्योंकि दो और तीन ही एप्लीकेबल है, वन नहीं एप्लीकेबल है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। नंबर टू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। नंबर तीन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नंबर चार, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। इन चार स्टेटमेंटों को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्वेश्चन का आंसर देना। विच ऑफ द अबो कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन जो ऊपर चार स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से किसको एफडीआई में इंक्लूड किया जा सकता है, इसकी राइट ऑप्शन है थ्री, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड से आर इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका राइट ऑप्शन है डी, ये तीनों ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। ये तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, इम्प्रूव्स द कंपिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स। नंबर टू, इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। नंबर थ्री, इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसकी राइट ऑप्शन है वन, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन काज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से जो है ब्लैक मनी क्रिएशन के लिए कौन सा जो है इफेक्ट डालता है। डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सिस टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसेज। बी, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेसियस स्टोन्स ज्वेलरी गोल्ड ईटीसी। अगली ऑप्शन है सी, लार्ज डोनेशन टू पोलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। इसका राइट ऑप्शन है डी, लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेशन। ये राइट है, ये एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ए, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो इन द बैंक्स। बी, इंक्रीज इन द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो इन द बैंक्स। सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। यही राइट ऑप्शन है इसकी, डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। ए, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। इसका जो है ना राइट ऑप्शन है डी,
क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, जो बजट घाटा होता है उसको जो है ना क्रिएशन करने के लिए नया स्रोत चाहिए इनकम का। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड ऑब्लिक इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय आर्थिक व्यवस्था के अनुसार सप्लाई और महंगाई किस कारण बढ़ती है? ए एक्सपेंसरी पॉलिसीज, बी फिस्कल स्टिमुल्स, थ्री इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, नंबर फोर हायर परचेजिंग पावर, नंबर फाइव राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। इसकी राइट ऑप्शन है ए, 1, 2, and 4 एप्लीकेबल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भारत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, तथ्यों को पढ़ो। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। नंबर टू, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम्स ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर थ्री, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी तीनों स्टेटमेंट पर आधारित आपने आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन और टू सही है इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक से फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर टू, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस। नंबर थ्री, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। और इसकी जो अब आपने आंसर बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसकी राइट ऑप्शन है टू एप्लीकेबल है इसलिए बी इसका राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। नंबर टू, इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। नंबर थ्री, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द ऑन सब्सिडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है सी, स्टेटमेंट वन एंड थ्री सही है इसलिए राइट ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। इसकी राइट ऑप्शन है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर ए है, बी सी डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। पहली स्टेटमेंट है, दे मे रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। नंबर टू, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। तीसरा है, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। इन तीनों स्टेटमेंटों को पढ़ते हुए कौन सा कोड सही है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसकी राइट ऑप्शन है 2, 3 इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। बी, कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स। सी, कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डी, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसकी राइट ऑप्शन है ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ये ब्लू वर्ड जो है ना ये हिंट देता है, अब ये सी से संबंधित है।
इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। इसकी राइट ऑप्शन है, इसकी राइट ऑप्शन है सी, दो और तीन सही है इसमें, लिचेन और मॉस, और ये दिए हुए हैं सी में। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। नंबर टू, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। नंबर थ्री, इट यूज काजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ये एक दो तीन, तीनों ही सही है। इसकी राइट ऑप्शन है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्क्वाइटो रिपेलेंट। इसका राइट आंसर है लेमन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट देखनी पांचों उसमें से बताना फिर। इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। इट इंडोर्सेस ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। नंबर थ्री, इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। नंबर फोर, इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स बी कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। नंबर पांच, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। इसकी राइट ऑप्शन है वन टू और फोर सही है। ये ए में दिए हुए हैं इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ए। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायमटोम्स, फोरा मिनीफेरा। विच ऑफ द अबो आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन्स ऑफ ओशियन। समुद्र के फूड चेन में इनका कौन सा है प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसकी राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि टू और थ्री है, साइनोबैक्टीरिया और डायमटोम्स, जो कि बी में दिए हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। हेडगे हॉग। नंबर दो, मरमोट। नंबर तीन, पेंगोलिन। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स विच ऑफ द अबो ऑर्गेनिजम्स रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट्स। इसकी राइट ऑप्शन है डी, वन और थ्री है, वन और थ्री, जो कि डी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू काज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। नंबर दो, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। नंबर थ्री, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, और नंबर पांच, टेलीफोन लाइंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये पांचों के पांचों न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है डी। गाइस, आज हमने तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे तीनों चैनलों को, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस से फायदा उठा सके। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी पेशेंस के साथ।